गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार सेन, 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट BST, चैप्टर फर्स्ट, आज फिर से आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। प्रबंध जो है, प्रबंध को बनाने के पीछे, प्रबंध को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आखिरकार प्रबंध क्यों जरूरी है। हमने पढ़ा था कि प्रबंध में सबसे पहले उद्देश्य तैयार किया जाता है। क्या प्रबंध का भी कोई उद्देश्य होता है? तो आइए आज हम सब इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात चर्चा करेंगे कि प्रबंध जो है उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उद्देश्य कहते किसे हैं। देखिए, उद्देश्य का मतलब है वह अंतिम बिंदु जिसके लिए समस्त क्रियाएं की जा रही है, वह अंतिम बिंदु जिसके लिए समस्त क्रियाएं की जा रही है या की जाती है, उन्हें हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो द रिजल्ट और एंड पॉइंट, और गोल ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का जो रिजल्ट है या एंड पॉइंट है या उसका जो गोल है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल एम्स और ए पर्पज दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव। इन ए पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कॉमन बात की कि द रिजल्ट्स और एंड पॉइंट और गोल ऑफ एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल एम्स और अ पर्पज दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें एक संस्था निश्चित समय में प्राप्त करना चाहती है, जिन्हें कोई संस्था निश्चित समय में प्राप्त करना चाहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इन उद्देश्यों के क्या कितने प्रकार हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन जनरल वे की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर डिफरेंशिएशन है, कई जगह तीन दे रखे हैं, कई बुक्स में चार दे रखे हैं। ठीक है, कॉमन वे के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन RBSC की जो बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को चार भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं, नंबर वन प्राइमरी, प्राथमिक। नंबर टू स
secondary, सहायक उद्देश्य. नंबर तीन, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत. इंडिविजुअल भी कहते हैं, पर्सनल भी कहते हैं. और लास्ट जो है वो है सोशल या जिसे कहते हैं सामाजिक. तो यहां पर हमने उद्देश्यों को चार भागों में बांट दिया. नंबर एक प्राइमरी, जिसे कहते हैं प्राथमिक. नंबर दो सेकेंडरी, मतलब सहायक उद्देश्य. नंबर तीन इंडिविजुअल उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य. और नंबर चार सोशल उद्देश्य. एक प्रबंधक जो एक संस्था में मैनेजिंग कर रहा है, मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है, उसके पास चार तरह के उद्देश्य होते हैं. सबसे पहला है प्राथमिक उद्देश्य. हम एक एक उद्देश्य को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है. देखो, प्राथमिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह संस्था का मेन उद्देश्य होता है. प्राथमिक उद्देश्य संस्था के सबसे मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिनके ऊपर संस्था टिकी होती है. इसलिए इनको बेस ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, बेस ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. दूसरा है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंड ऑन प्राइमरी. कि जितने भी उद्देश्य हमने पढ़े ना, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सोशल उद्देश्य, ये सारे के सारे उद्देश्य किस पर टिके हुए हैं? प्राथमिक उद्देश्य पर टिके हुए हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंड्स ऑन इट्स, सारे के सारे उद्देश्य इस पर टिके हुए हैं. सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन satisfy the expectations of different stakeholder. प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं. प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य के बारे में हमने पहली बात की कि ये मेन उद्देश्य होता है. All objects are depend on its, सभी उद्देश्य इस पर डिपेंड होते हैं. तीसरा satisfy the expectations of different stakeholders, जो कि different stakeholders हैं, उन सभी की जो उम्मीदें हैं, expectations हैं, उनको satisfy कौन करता है? प्राथमिक उद्देश्य. उसके बाद next बात करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. ये जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, ये कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन पर भी काम करते हैं. कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक प्राथमिक उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट है पे फेयर. अर्न प्रॉफिट जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं लोग हैं, जिन्हें पेमेंट किया जा रहा है, तो पे फेयर. और सबसे मुख्य उद्देश्य यहां पर आ रहा है अर्न प्रॉफिट. संस्था को सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, संस्था को बनाए रखना है, संस्था को डेवलप्ड करना है, तो जरूरी है कि संस्था प्रॉफिट अर्न करे. प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज,
produce goods and services, produce goods and services on minimum और मिनिमम कॉस्ट। बात कर रहे हैं कि प्राथमिक उद्देश्य जो है, प्राथमिक उद्देश्य में हमने बातें की कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं, तो इसको मुख्य उद्देश्य कहा गया। और हम लास्ट में बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन मिनिमम कॉस्ट। प्राथमिक उद्देश्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, ऑन मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमत पर उसको आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इफ यू वांट टू अचीव योर प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सहायक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। बच्चों ये आपने पढ़ा प्राइमरी उद्देश्य, जिसे हम प्राथमिक उद्देश्य के नाम से कहते हैं। दूसरा है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य क्या है, देखिए सहायक उद्देश्य की बात करें तो ये हेल्पिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हेल्पिंग ऑब्जेक्टिव है, मतलब प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। सेकेंडरी जो ऑब्जेक्ट बना है, ये प्राथमिक उद्देश्य में से ही निकला है, और यह उद्देश्य जो है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। हेल्पिंग टू अचीव, ऐसे भी कह सकते हैं अपन इसको, हेल्पिंग इन help in achieving, help in achieving primary object, help in achieving primary object। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की पहली बात कि ये हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। दूसरी बात कर रहे हैं रिलेटेड टू इंटरनल सिस्टम, रिलेटेड टू इंटरनल सिस्टम। सेकेंडरी जो ऑब्जेक्ट है, इनका संबंध आंतरिक प्रणाली से है। आंतरिक प्रणाली मतलब संस्था के जो अंदर का जो वातावरण है। दो तरह का वातावरण होता है, एक संस्था के अंदर का वातावरण होता है, एक संस्था के बाहर का वातावरण होता है। और सेकेंडरी उद्देश्य की जो हम बात कर रहे हैं, इस सेकेंडरी उद्देश्य का संबंध किससे है, इंटरनल सिस्टम से है, आंतरिक प्रणाली से है, आंतरिक एनवायरमेंट से है। तीसरा है रिजल्ट इफेक्टिव, सेकेंडरी उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों को न केवल प्राप्त करवाते हैं अपितु उन्हें इफेक्टिव बनाते हैं। उनका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इफेक्टिव, कैसे बनाते हैं इफेक्टिव, तो देखिए क्योंकि ये बताते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज। सहायक उद्देश्य हमें बताता है कि हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, इन उद्देश्य ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इनसे अच्छे से अच्छे परिणाम हमें प्राप्त करना है, ये कौन सिखा रहा है, सेकेंडरी उद्देश्य, सहायक उद्देश्य। तीसरा है
ये हमें बताता है टू यूज, ये हमें सिखाता है टू यूज द टू यूज देम एट राइट टाइम टू यूज देम एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। बच्चों यहां पर ये देम जो है रिसोर्सेज के लिए आया है, ठीक है। सेकेंडरी उद्देश्य हमें ये बताता है कि सही समय पर सही स्थान पर सही चीजों को किस प्रकार से सही उपयोग किया जाए। तो राइट टू यूज देम एट राइट टाइम एट राइट प्लेस और मैक्सिमम मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। सेकेंडरी जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमें रिसोर्सेज को मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कहते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज जो हैं, कल मैंने बात की थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन अच्छे रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि एक संस्था के लिए टीचर भी रिसोर्सेज है, मेरे हाथ में जो चौक है वो भी रिसोर्सेज है। अब चौक तो मेरे सामने खूब रखे हुए हैं लेकिन एक अच्छा चौक हो सकता है यही हो, चार चौक अच्छे नहीं हो।